गरियाबंद में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध धान को जब्त किया है। बिचौलियों ने धान को ओडिशा से लाकर डंप किया था। प्रशासन की टीम ने 15,000 से ज्यादा बोरे जब्त किए हैं। अवैध धान की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम ओडिशा सीमा से लगे गांव की तलाशी करती रही। प्रशासन ने एक के बाद एक कुल 5 गांवों में 6 स्थानों पर दबिश देकर 15,000 से ज्यादा धान के बोरे जब्त किए। जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई में बिचौलिए के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। हमारी पुलिस आसान है, उसकी संयुक्त टीम ने 5 गांवों में निरीक्षण किया है, छापेमार कार्रवाई की है। इसमें लगभग 15,386 बोरा धान को जब्त किया गया है। इसकी कीमत अनुमानित रूप से लगभग 1,55,00,000 के आसपास है। अलग अलग क्षेत्र में थाना की टीम अलग अलग टीम बना के बाइक में और उस ऐसे छोटे छोटे रास्ते पे जहाँ से धान बाहर क्षेत्र के उड़ीसा आ सकता है, उन जगहों पे हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जहाँ सूचनाएं मिल रही थी गट्ठा भूत डंप करके रखे हुए, आज इसमें कार्रवाई करने के साथ में कलेक्टर साहब के साथ की।